có không? पता नहीं कद का अंदर जाना है जब तक सफेद पत्रा ना मिल जाए। अरे कब मिली वो सफेद पत्रा हा? वो पत्रा हा कद का बढ़े थे, छोटे है कि बड़े है कि का है थे? मानता वाला पत्थर कुछ खास ही हुई। ले पानी पी ले। सेहत का कुत्ता पालू नेट नहीं का होगी मतलब अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और चालू भी नहीं हुआ थे। पता नहीं काबर लेकिन मोरो मोबाइल बंद हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। कुछ है उमेर? कोनो जानवर रही सोई बे? जानवर कस नहीं रही से? जानवर कस नहीं रही से तोला भोरा होगी सोई बे? अरे इसकी जात का बैदा मारू, कोई तो है उमेर? चल देख लेतन शंका कबर रहे। कैमरा ज्यादा डॉल आवाज है। बारह सब जूते होगा। कोई नहीं है बे मेर, कुछ नहीं है बे। मैं देख रहा हूँ भाई, कुछ तो रही भाई माँ का सब। कुछ नहीं अभी तो राघुम देखे हो ना, जबरन डरातरी थस। ऐसे डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। जबरन डरातरी थस, देखे कुछ नहीं है। ड्रोन है रे, ड्रोन है। ये तो ड्रोन आए कहाँ? अबे ड्रोन ये कहाँ ले आ गए बे? बहुत दिन से अब पेड़ में लटके रही से तैसे लागा थे कोनो जंगल देखे बर ना ये ड्रोन ला यहाँ भेज रही से तैसे लागा थे। यहाँ आए के बाद एकर नेटवर्क फेल होगी सोई और ये यहाँ गिर गई सोई। किडनी फेल हो तो बचिस भाई। चल बे आगे बढ़तन। ये साले ड्रोन के नाम का कुत्ता पालू, कसाब के नाम के कुत्ता पालू। इसके नाम का कुकुर पालू, उसके नाम का बिलाई पालू, कितना कुकुर पोसबे बे? कभी इसकी जात का बैदा मारू, कभी उसकी जात का बैदा मारू। साले तोर नाम ना नवरंग के जगह मिथुन होना रही। मिथुन मिथुन अपुन के गांव में आज भी अपुन को मिथुन के नाम से जाना जाता है। अपुन मिथुन का बहुत बड़ा फैन है। क्या रे मिथुन की फैन कैसे बन गिस? वो कहा है ना बे, जब बचपन में मैं छोटे रहू ना तो हमार गांव में काखरो घर भी छठी हो ना तो VCR में वीडियो देखा हुआ और वीडियो में ना एक न एक फिल्म मिथुन के जरूर लावे तो ऐसी उखर नकल करत करत मैं बन गयो सीजी के मिथुन। क्या रे क्या रे? चलना यार जल्दी चलना। चलत तो हाँ यार, रुकना बे मुतन उतन देबे कि नहीं? Thank you.
काय बे जंगल में नरकम काल इतना सुनसान जंगल में यह कौन है रे सोए नौरंग हो सकत है हमरे जैसे कोनो अपन मानता पूरा करी यारी सोईता मोला यहाँ नहीं रहना है भाई मोला कोई इच्छा पूर्ति नहीं कराना है नहीं रहना है भाई मैं अपन घर जाना है भाई मोला अपन घर जाना है नौरंग नौरंग रुकना अरे नौरंग नौरंग थकत नहीं है रे वही जगह घुमा ये साले नरकंकाल बार बार रास्ते में कैसे आ जावत है नरकंकाल रास्ता में बार बार नहीं आवत है बे हमर वही चूच पर घूमत हावन मतलब हमन जंगल में फंस चुके हैं जंगल में फंस चुके हैं मतलब ये जंगल हमारे बाहर निकले नहीं देवत है जंगल बाहर नहीं निकले देवत है अबे का मंझवा मन कस बात करत हस बे वो आदमी कह रही से कि जंगल में तो इंसान अपन मर्जी से जाते लेकिन बाहर सिर्फ जंगल की मर्जी से आते अबे ये बात मोला पहले कबर नहीं बता इस बार रेप्टा अबे अबे रोज हन एक बार वो मानता वाला जगह मिल जाए ना तो यहाँ से अपने आप बाहर निकल जाओ अबे चिचोरन वो जगह नहीं मिले तो यहीं से फंस के रह जाओ बे कहाँ ने कहा तो बात मार के जंगल में आ गया तेरी जात की पैदा मारू साले अबे अगर यही मेरे रोज बैठे रही ना तो वो जगह कभी नहीं मिली हमारे आगू बढ़ेल पड़ी अब मैं नहीं जाऊँ अब आगू ठीक है झंझा मैं जाता तेरे ही मेरा किला ये नरकंकाल करा अबे आनंद नहीं अब हो ही का सपना वाला गाना है ना हाँ आज तो फरार निकल ही तैसे लागत है एक बार वो जगह मिल जाए बाकी सब ठीक हो जाए अब मान ले ये सब अंधविश्वास निकलिस था ऐसे कोई जगह नहीं मिलिस था देख नौरंग ये तो फिक्स है ये जंगल में कोई ना कोई रहस्य जरूर है नहीं तो यहां हमन भटकते नहीं हमारे बाहर जाके रास्ता मिल जातीस आनंद काय मुला कुछ एहसास हुई से तैन बे बार बार इसे डरवाजन तो बे मां कसम यार बे भूत
अबे वो तो हमारा खुद देख के डरावा थे, देख ये हाथ मुझके सामने आयो। कौन नाचता है? हाँ तुमन कौन हो? इंसान? मैं भी कोई जानवर नो ले दे के। यहाँ क्या कर रहा था? जंगल में फंस गया हूँ। कतका दिन बात कर रहे इंसान ला देखे वाले देखे, नहीं तो मैं आग मुझ की सान डाल रहे हो। कब से फंसे भी यहाँ? बीत कर दिन हो गए, सुरता गला बुला गया हूँ। मैं सोचत रहे हो नेहा किल्ला मर जाऊँ, पर अब तुम आ गए है ना संगे है, अब सब संगे में मर बोले देखे। अबे काबर पास करत हस, हमन काबर मरबो बे? तो जंगल में फंस गए तो नहीं मरबो यार सब संग में। ये जंगल से जब कहा निकले कोशिश करबे, ये जंगल वो कहा भटका देते। एक मिनट पहले ये बता तुर का नाम है? चंदू। चंदू ठीक है चंदू, ये नौरंग और मैं आनंद। अब तो ये बता कि तय यहाँ फंसे कैसे? सियान मन के मुख ले सुने रहे कि ये जंगल मा एक जगह है जहाँ सफेद पथरा हवा है, वो पथरा छुबे तो पथरा चमके लग जाते ले देखे। पथरा चमकी मतलब तो इच्छा पूर्ति होना है। पथरा चमके के बाद वहाँ एक शैतान प्रकट होते। शैतान? शैतान? हाँ शैतान, वही शैतान है एक इच्छा की पूर्ति करते ले देखे। तो जानत था सफेद पत्थर कहाँ है? जानत रहते हो तो यहाँ भटकत थोड़ी रहते हो, कैसे बात करते ले देखे। दरअसल वो पत्थर तक वही इंसान पहुंच सकते जिनोकर काबिल हो। काबिल? हाँ शैतान वही मन की इच्छा पूर्ति करते जिनोकर काबिल हो ले देखे। का काबिलियत? अब वो तो मोला नहीं पता, पर इतना पता है कि वो काबिलियत मोर में नहीं है, तभी मैं आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। अबे वो तो तोर थोथना देख के ही समझ में आते कि तोर में कितना काबिलियत है। बेइज्जती कर ले, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला हूँ, कबर के कई दिन बाद कोई इंसान ना देखे वो ले देखे। चल आगे। कहाँ आगे? यहाँ कोई आगे पीछे नहीं है, पूरा गोल है गोल, इतना घूमत हन कुछ मिलते ही नहीं है। जब तक यहाँ हन कोशिश करते रहो। हाँ कोशिश करके देख ले, तो वहाँ मुझ के सामने डर भी। अबे तेरे नाम का बनबिलवा पालू साले, मिथुन के फैन उसका का कोई से क्या रे? क्या रे? हाँ यार बार बार उस जगह शूटिंग में देखा पूरा जब मोर में कोई काबिलियत नजर नहीं आई शैतान ला, तो तुमन कौन खेत के मूली है बे? वाह रे काबिलियत वाले, अब ये बता ते कौन से इच्छा लेके आ रहे? बताओ। ये तो लजाए लग गए। अबे बता ना बे बसहा। दरअसल ना भाई वो टूरी है ना जिन वायरल के क्यूट गर्ल हिमानी, उकरा से ब्याह हो जाएगा की इच्छा लेके आ रहे हम ले देखे। हतरे साले वो लेदरी टूरी बढ़ते इतना जान जोखिम में उठाए बे, लाना थे बे तोर ऊपर। तो कर लिए ना, जान भी कुर्बान है। खुद लेदरा है सारे चोट्टा है। ये फट्टे में कर था मैं फट्टे तभी ना यहाँ के नहीं तोर कुर्ता पैंट मन फट गए।
अरे साले मिथुन, ऐसे लगा थे पिकट दिन हो गए, रेंगत रेंगत थकासी लगा थे यार। यहाँ समय के पता नहीं चले कब की यहाँ रात ही नहीं हो। ये जंगल में समय भी थम गए शायद। आनंद रेंगत रेंगत थक गए हैं यार, थोड़ा थिरा ली कर। हाँ ठीक है, थोड़ा यही थिरा लेते हैं। मत कह मैं थक गए, अभी तो भटकना बाकी है। चुप। ना देख के लगते ये हागमुत के सांडा रहे। सपना देखते रहे इसका, बहुत खतरनाक सपना देखी हूँ मैं। देखी हूँ कि चंदूमुर गलत बात रही से। मैं आज तक एक चाटी तक नहीं मारे हूँ। तो गलत है वहां में। अबे सर अपन रास्ता निकल, हम अनंते जाते हैं। ए भाई अंति कहाँ जहाँ यार, इतना दिन बाद तो तू मोल मिलिया ले दे के। अकेला मर जा भाई, मोल संगे में राखे रहा भाई, ले दे के। नौरंग हेलो जन भगवान, मैं खतरनाक सपना देखे हूँ, उमेकर का गलती है। चल आगे बढ़थन। इधर थोड़ा देख के लाते, फिर से आग मुझके सान डरे। चुप तो कुछ सुनाई दे थे। मुला तो कुछ सुनाई नहीं देवा थे। मुला तो कुछ सुनाई नहीं देवा थे। कोई गाना गावा थे। चालू हो गया, मस्त गाना चली। देखो कैसे हो गए। हेमंत कौन यार,
इतना दिन जंगल में रहूं, मैं तो पहली बार देखा था ये मन्ना। जिस हिसाब से मन हंसी खुशी गाना गावा थे ना, ये मल्ला देख के लगत है कि यहाँ पहली बार आए मिले बर। ये मल्ला पता भी नहीं हुई कि ये मन यहाँ फंस गए है, या ये भी हो सकता थे कि मल्ला बाहर जाके रास्ता पता हुई। चल पूछ के अथन चल। सुना तो जी, ये क्या चला थे मेर जंगल में? कोई नहीं सोच के यहाँ जंगल में मंगल कर आया है का? अपने आप लोग बहुत बड़ा हीरो हीरोइन समझ रखे है का? अबे ढपोर संग चुप हो जा। अरे सुना तो जी, माफ करिया, ये तो पागल है, कुछ भी बोलते। ए, मैं पागल नहीं हूँ। हवस बे भोको पागल। मैं जाना था यह पागल नहीं है। कि सही कहे भाई, मैं पागल ना हूँ, वो तो बस मोर कपड़ा फट गई। यहाँ से कैसे बाहर जाना है तुमन बता सकत हो का? यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सके। मतलब? मतलब कि ये जंगल में इंसान आते तो अपन मर्जी से ही, पर वापस जाते जंगल की मर्जी से। मतलब तहुमन हमरे जैसे यहाँ फंस गए हो का? तुम्हारे जैसे तो नहीं, पर फंसे हम मन हम। इवन का पहले में बात कर रहे थे लेके? एक मिनट, का तुम बता सकत हो कि ये सफेद इच्छा पूर्ति वाला पत्थर कहाँ मिल सकत है? जिंदगी एक नदी के धारा के समान है। धारा के संग बहे तो जिंदगी आसानी से कट जाती, और जिन व्यक्ति धारा के विपरीत जाते वही असफलता मिलते और इतिहास वही रचते। काबुली से मन, मैं तो कुछ समझ में नहीं आई इसलिए देखे। अरे काबुली से इखरे मन से पूछ ले था ना। कहाँ गए ईमन? ईमन तो सच में नहीं दिखा थे। ईमन इंसान नो है। वो नहीं पता, लेकिन उमन देख के तुम लगिस नहीं कि उमन थोड़ा अजीब टाइप के? लगिस तो है भाई। जब मैं उकर करा वो सफेद पत्थर के बारे में पूछे तो लड़की पहली बोली सुने हस? हाँ, पर कुछ समझ में नहीं आई भाई, पर ऊपर जल्दी से ले दे के। मोला ये पहले की मतलब समझ में आ गई है। यही पहली माँ ये जंगल से बाहर जाके रास्ता घलो है, और यही पहली माँ वो मानता वाले जगह जाके राज घलो आवे। हाँ तो बताने यार, तेज कर भाई। बताना भाई, बताना यार, बताना यार। जिंदगी एक नदी की धारा के समान ही, मतलब जरूर यहाँ एक नदिया हवा, धारा के साथ में जिन बहते उकर जिंदगी आसानी से कट जाती है। मतलब अगर हम धारा के साथ जाबो तो हमें जंगल से बाहर जाके रास्ता मिल सकते है, परंतु धारा के जिन विपरीत जाते सफलता वही ल मिलते। मतलब अगर धारा के हमन विपरीत जाबो तो हमें वो इच्छा पूर्ति सफेद पत्थर मिल सकते है। नदिया अतेक दिन ले यहाँ रहे तो कौन मेर नदिया है, कहा ले पावस नहाए धोए पर पानी? मोर सोचना देखे लागत मैं इतना दिन में कभू नहाए हो। हाँ हाँ, पर ओती बेर एक जगह है जहाँ एक डबरा है, लेकिन मोला वहाँ कोई सफेद पत्थर वत्थर नजर नहीं आई से पहले देखे। अबे डबरा नहीं, नदिया बोला तो नदिया।
चढ़वे तब जावे विपरीत कहे ना नदिया के। यह रीति आए एकर मतलब यह नदिया है। नदिया तो पानी कहाँ है भाई? कोनो जमाना में यहाँ पानी बहत रही सो है पर अभी पूरा सुखा गया है। नदिया नदिया मिल गया मतलब अब हमन यहाँ से जल्दी निकल जाए बोले देखे। नदिया के उतार एती है मतलब धारा एती से होती बहात होई। अबे आनंद कहाँ जाता सोती? धारा तो ऐती बुहारी से मतलब जंगल से बाहर निकले का रास्ता ये तरफ है। जेकर वजह से आ रहे हैं वो मंजिल बहुत करीब है नौरंग। इतना दूर आए के बाद अब मैं वापस नहीं जा सका। चल 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 हम चली। पाँच दस मिनट में खत्म हो जाएगा। मैंने भाई वो सफेद पत्थर मिल जाए ना तो चुटगल हिमानी से मोर शादी हो जाएगा। क्या परीक्षा मांगा तोड़ थोड़ा देखे इसमें तोड़ थोड़ा तो मैं देखते छो ना देखा तो कहा मांग बेला। अबे मिथुन ना बस ट्रेन और छोकरी से दूरिया रहती ये सब फालतू चीज अपुन नहीं मांगता है क्या रे? सौ किलो सोना तो मांगेगा सोना चांदी चौनप्रास। अबे चौनप्रास नहीं बे सोना चांदी धन दौलत ऐसो आराम ताकि मोर नाती पंथी तक मोर साथ मीढ़ी बैठ के खाए बे। वो तो दिखा था भिखारी जैसे। अबे भिखारी असन ते दिखा था चिरा फाटा असन। चल देख थन अरे अगर इच्छा पूरा हो थे। अरे वो तो अरे आनंद हाँ चूना तक छटके भाई। हे भगवान तो बहुत बहुत धन्यवाद सफेद पत्र मिल गए ले देख के। बधाई हो आनंद मंजिल मिल गए। अब मैं अपनी इच्छा मांगा ले देख के। अरे तेरे नाम का कुत्ता पालू साले पहली इच्छा मैं मांगा। नहीं नहीं मैं यहाँ जंगल में पहली आऊँ मैं अपनी इच्छा पहले मांगा। अबे जब ते जंगल में पहली से रहता पथरा ना खोजे कब नहीं है। नहीं मैं अपनी इच्छा मांगा। अरे मैं मांगू मैं कुछ नहीं जानो। लड़ाई झन करा कोई भी पहले अपन इच्छा मांग लेवा फिर दूसरा कोई मांग ली ही मैं आखिरी मांग लू। अब मैं जात हूँ अपन इच्छा मांगा। अब तुम देखिया कुछ होत किसे नहीं है। ले अब मैं जात हूँ चल बे हट अब मैं जाऊँ चल अरे जा थे करके देख ले जा। हतरे अब मोर इच्छा पूरा करो मोला 100 किलो सोना और 100 करोड़ रुपया मिल जाए। कैसे कुछ नहीं हुआ थे कहीं ये पत्थर के कहानी फर्जी तो नहीं है? फर्जी है भाई फर्जी अपन जान दाव पे लगा के यहाँ पर आए। इतना हलाकान हो एकरेज पर पूरा फर्जी है भाई फर्जी है भाई फर्जी है पूरा।
तू काम कर दीस ले दे के फिर हमारे दौरे कैसे काम नहीं करीस आगे हुई चमता बधाई हो आनंद तय यहाँ पहुंच गए मांग अपन इच्छा तुमन हाँ हमन तो तुमन हो जे सब की इच्छा पूरी कर दो ये मन इच्छा पूरा करते हमारे दारी काबर नहीं आयो हम इन सबकी इच्छा ला पूरा नहीं करन जेकर मां काबिलियत रथे सिर्फ उकरी इच्छा ला पूरा करथन काबिलियत माने माने कि जेन इंसान के दिल साफ है कुखरो प्रति बैर नहीं रखे और निस्वार्थ भाव से सबके मदद करते ये सब गुण आनंद के में है पर तुमन तो वहाँ गाना चंदू कहतरी से यहाँ शैतान प्रकट होते हमन कोई शैतान नो हन मोर नाम सुरुज है और मोर नाम चंदा है हमन भी कभी सामान्य इंसान रहे परंतु हमन के साथ कुछ ऐसे घटना घटी जेखर कारण हमन ये जंगल में खुद कैद होके रह गए का घटना कुछ समझ नहीं आते आज से बहुत साल पहले ये जंगल के पास में एक गांव रही सरेली जिहा हमन अपन दाई बाबू मन साथ रहत रहे और हमन एक दूसरे से बहुत माया करत रहे ए बेटा सुरुज हाँ बाबू आज खेत को ते चल देते बेटा मुहिला फोर के आ जाते नहीं तो सब पानी जाम हो जाएगा दाई ता कैसे करथस जी बेटा ला बूता करवा करवा के निचट दुबरवा दे हस तो लाड प्यार माँ टूरा निकम्मा हो गए है गाँव में दिन भर किंदर किंदर के बस संगी करा मस्तिया दे तो टूरा हा ता तो टूरा नो है का मोरू टूरा ये ता सुरुज ले माया नहीं करस का निकट माया करता वो ता जावा ना तू हिमन फोड़ दी हा मुहिला दाई मैं थोड़ा गाँव घूम के आता हूँ जल्दी आ जा मेरे लेना जी मोहलत होकर वासी खवा दे चल जी कैसे कर था तुम्हें चंदा बेटी कल तोर संगी मिथिला बतात रही से ते सुरुज संग सरई तरफ चल दिए रहे बने कहे सरई नहीं तो दाई मैं तो नहीं कह रहे हूँ जरूर मिथिला अनिकुनुल दिगदारी सुवे बने कहे ठीक है बेटी सरई तरफ मत जाए कर सराई बहुत घना जंगल है पता नहीं वहाँ काका जानवर विचरण करत होही बने कहे दाई बाबू तुमन चिंता जान करा मैं वहाँ नहीं जाऊं लेवा मैं जात हूँ और संगी मन कर मिल के आऊँ जल्दी आ जा हाँ। बने कहे चली चल अच्छा जल्दी आ जल्दी सरई में ज्यादा अंदर जाना खतरनाक है सुरुज ज्यादा अंदर जाबो तब तो कोई हमला देख नहीं पाही कैसे डर लगा थे का तुम्हें हाँ। यहाँ तक गांव के कोई मनखे नहीं आ सके तुला डर लगा थे का मैं करी अमन डरावे नहीं चला जा ये जगह ठीक है चल आ जाए यहाँ गांव के कोई मनखे मन नहीं आ सके बहुत भाई। भाई। जल्दी बिहाव कर लेना चाहिए दाई बाबू मन से बिहाव के बारे में बात तो करना चाहता हूँ
पर डर लाग थे। अभी तो कहत रहे मैं करे ये मन ककरो से नहीं डर रहा है। मैं कोनो से नहीं डरा हूँ, वो तो बस थोड़ा दाई बाबू मन से झिझक लाग थे। अगर तय अपन दाई बाबू करा बात नहीं करबे तो मैं अपन दाई बाबू करा बात करके तुर घर रिश्ता लेके आ जाऊँ। बने हैं जल्दी ले आ। ये पौधा ला काबर तोड़िया। चल इला वापस जोड़ के दिखा। अगर ये पौधा तुमन नहीं तोड़े होता तो ये बड़े वृक्ष बनतीस, सबला प्राण वायु देती, पर्यावरण ला शीतल रखतीस। कौन गांव के हा? सराइडी। तुहर गांव के मनखे मन ये जंगल मा घुसरे के हिम्मत नहीं कराए, फिर तुमन कैसे आ गया? माया करता का जंगल मा मिले आए है का? तो हर दाई दादा मन तुमन ला एकर सेती ले पाल पोस के बड़े करे रही इसका कि तुमन जंगल मा अबदर कर सका। अब से ये जंगल मा पाँव भी नहीं रखो, चला निकला यहाँ से। काहे निकली? ये जंगल तो रकेला के है का? अमन रोज आबू, कालो आबू, परसो खलो आबू, तोला जेन करना है कर ले। तो फिर तुमन यही काबर नहीं रह जावा? बस जाबो, हमन यही रही जाबो। तो अपन काम से काम रख, सराई के रक्षा करना ही मोर काम है। मैं तुमन ला श्राप देता हूँ कि तुम दोनों जन सराई में कैद होके रही जाओ, जहां के भी तुमन बाहर नहीं निकल सका। बाहर निकले के इच्छा इच्छा ही रह जाए। हाँ, पर यहाँ कोई भला आदमी अपन इच्छा लेकर आई तो वो कर इच्छा तुमन जरूर पूरा करिया। और फिर हमन यही कैद होके रहेंगे। मल्लाजात करवाई तेर हो गए उका दाई बाबू के बहुत सुरता था मोहला। हाँ मैं छोड़ा मैं ते अपन इच्छा में तोरी इच्छा जरूर पूरा हुई। ये पत्थरला तपस्वी हा ही यहाँ रखे हैं, एकर प्रकाश जेकर ऊपर भी पड़ते ओकर एक इच्छा ला हमन जरूर पूरा करते हैं। जल्दी इच्छा मांग आनंद, फिर यहाँ से निकल जाबो। जल्दी मांग आनंद, जल्दी मांग। और इच्छा पूरा करो, और इच्छा है इच्छा पूरा होगी। ये कहां ले आ गए? अबे कौन हंसते हैं? तहे लिया। तहे आनंद लाटा के अपन इच्छा कैसे मांग रहे? छोड़ा नहीं तोला। मैं तोला छोड़ा नहीं यार। तुमन इधर इच्छा ना वापस आए हुआ। वो हमें नहीं कर सकन। काबर? जौन भी ये पत्थर के चमक प्राप्त करी उखर हमन एक इच्छा पूरा करते हैं। पर ये छल करे है, आनंद हटा के अपन इच्छा मांग ले है। हमन इला सजा तो देना चाहतन पर हमन कुछ नहीं कर सकन, तपस्वी के श्राप से जो बंधे हैं हमन। अबे कौन हंसते हैं? यह वही आदमी आए जेकर बात लसुन के मैं यहाँ के बारे में जाने हूँ। का तो जानबूझ के सुनाए रहना वो सब बात ला मोला। हाँ जानबूझ के सुनाए रहे ताकि ते यहां तक आ सकस। ओ,
बहुत दूर पीछा करत मैं आ सकूं। आज तो नहीं छोड़ा आनंद के काम बिगाड़ है देखे। चंदू एक मिनट तो ऐसे छल काबर करी। अरे काबर करी पैसा कौड़ी भरो काबर। नहीं पैसा कौड़ी नहीं चाहिए वो तो मोर पास बहुत है। फिर काबर चली इतना बड़े चाल। दरअसल मोर एक बेटी है जन्म देते ही होकर मां खत्म हो गई। थोड़ा बड़े हो तो पता चली वह बोल वो सुन नहीं सके। मोल बहुत खराब लगे न देश विदेश के हर डॉक्टर सो गया सब कोई हाथ खड़े कर दी। फिर एक दिन मोर कंपनी के बुजुर्ग से ये इच्छा पूर्ति जंगल के बारे में पता चली। ज्यादा डिटेल ले पर मैं ये जंगल के आसपास के गांव के मन के कर पूछताछ करना शुरू करे तब बहुत कुछ पता चली। ये भी पता चली कि यहाँ सिर्फ एक अच्छा और निस्वार्थ इंसान आ सके। मैं कई बार आए की कोशिश करे पर डर के मारे अंदर नहीं आ पाए। फिर एक दिन मोबाइल में तो वीडियो देख डाले मोला एहसास होगी तय जरूर यहाँ तक पहुंच जाबे काबर की तय दिल के साफ लड़का हस बिना किसी लालच के सबके मदद करथस यही काबिलियत चाहिए यहाँ तक पहुंचे बर। देखने से वो दिन तो बगल में आके तो ले यहाँ के बात बताए तय मजबूरी में रहे तो तुरते यहाँ आए बर रेडी हो गई। मैं शुरू से तो पीछा करत हूँ लेकिन तुर बहुत बहुत धन्यवाद तुर वजह से आज मोर बेटी बोले और सुने लग जाए। मोर इच्छा अधूरा ही रहेगी। सॉरी प्रिया ये जन्म में शायद मैं तुला नहीं पा सकूं। एक मिनट का हो गए एकर मोला धक्का दे के पहली पत्थर के प्रकाश मोरम पड़े रही से। हाँ ता सुरुज चंदा प्रकाश मोरों में पड़े रही से तुमन मोरे की इच्छा पूरा कर सकत हो। आनंद सही है अमन करे की इच्छा पूरा कर सकत है। अपन इच्छा मांग आनंद मोरी इच्छा है कि तुमन श्राप से मुक्त होकर अपन समय में वापस चले जाओ। मैं अपन श्राप से मुक्त हूँ। बहुत अच्छे इंसान है सानंद यहाँ सिर्फ इंसान अपन स्वार्थ के लिए आते हमारी तकलीफ को नहीं समझो। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बहुत बहुत धन्यवाद। सरे ये तो हमारे गांव है दाई बाबू दाई बाबू दाई का हो गया बेटा सूरज कैसे रो रहा था सूरज का हो गया बेटा बाबू अभी तो गिर रहे हैं गाँव को भूल के हाथों के अभी गिरा मतलब मैं जिन दिन यहाँ से गए रहे श्राप टूटे के बाद वही दिन वापस आ गई। धन्यवाद आना धन्यवाद दाई बाबू चुप 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 बिलास
अरे बहुरन भैया पूरा परिवार से है। आओ भैया आओ। का बताओ भैया, चंदा है घर ऐसे और हमन ला देख के ऐसे रोना शुरू कर दीस जैसे सालों बाद देखा थे हमन ला। हमरो शुरू जरूरत रही से। अरे कुछ नहीं गा, सब चोचला हरे। एकर संगी मिथिला है ना, मोला सब बता डरे। दरअसल एमन एक दूसर से माया करते। बने कहे ओकर बने कहे। कैसे रे दाई? बाबू हमन एक दूसर ला बहुत माया करथन और हमन बिहाव करना चाहथन। बने कहे ऐसे हमला कोनो आपत्ति नहीं है जी। ता हमला का आपत्ति रही जी, हमरो डाल रिश्ता मंजूर है। बने कहे बाहर अगेन भाई बाहर अगेन। अंदर ही जंगल में भटकने के बाद आखिरकार हमन बाहर आए गे। अच्छा आनंद तोर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के बेटी ने नया जीवन मिल गए और वो दोनों जन श्राप से मुक्त हो गए। मैं यही में खुश हूँ। वैसे ते हंस कौन गा भैया? मैं खुशी इंटरप्राइजेस के मालिक गौतम दीवान नाम है मोर। बॉस बॉस मैं आपके बिलासपुर ब्रांच के वर्कर हूँ। अरे बॉस बॉस मैं आप मन के कॉलर पकड़े। अरे अरे बॉस मोर मती मारे गरी से। बॉस बॉस मोला नौकरी से जन निकल बे। बॉस बॉस भले तय मैं तेरे नाम का कुत्ता। बॉस भले तय मोर नाम के कुत्ता पाल बे बॉस, लेकिन मोला नौकरी से मत निकाल बे बॉस। बॉस बॉस प्लीज बॉस प्लीज। अरे टेंशन मत ले, नहीं निकालो भाई नहीं निकालो। नौरंग भाई आनंद भाई तुम नहीं आता तो मैं जंगलेज में फंस के रह जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम मोर जान बचा दे। कोई बात नहीं भाई चंदू, वैसे बिलासपुर आते बे मिले भर। हाँ बे आते बे बिलासपुर। हाँ वहाँ ना भाई बिलासपुर ले 20 किलोमीटर तो है दुरिया मोर गांव है। नेटवर्क आगे है। हेलो हेलो आनंद। अरे यार कहाँ हस, तोर फोन नहीं लगत रही से। यहाँ हमन कितना परेशान हन। तुम टेंशन झल लेवा, मैं आके सब बताता हूँ। बड़ा विचित्र घटना है तो। आनंद उस सफेद पथरा अभी हवे कमा। नहीं अंकल, सूरज और चंदा के गायब हो के बाद वो पत्थर भी गायब होगी से। वो पत्थरा रीति तो वाला छू के मैं सरकारी नौकरी वाला तमान मांग लेते। पापा सॉरी प्रिया हा? मैं सरकारी नौकरी नहीं मांग पाए। सॉरी की कोई बात नहीं, उल्टा मोला तुर पर गर्व है। ते अपन स्वार्थ छोड़ के जंगल में फंसे सूरज और चंदा की मदद करे। प्रिया सही कहा थे आनंद, महू ला गर्व है कि ते मोर छोटे भाई हस। सरकारी नौकरी मांग लेतीस तो महू ला गर्व होतीस। किस तुम है अबे आनंद, तेरे नाम का कुत्ता पालू। अबे नौरंग तोर तो चाले चलन बिगड़ गए। अबे मतलब तोर तो रंगे ढंग बदले नजर आवा थे। अबे मोर छोड़, अगला पार्टी देखबे ना तो ते बेहोश झन हो जाबे। अब कुना है आजा रे क्यूट गर्ल। क्यूट गला ही क्यूट गला।
ये कौन है? मुरली जी ने ले दे के। अरे चंदू, मैं तुम्हारा बता रहे ना, जंगल में एक जन पगला झकला मिले से। आई हरे ओहा। ये तो वायरल गर्ल हिमानी है ना। ये कैसे हो गए? ये सब ओकरे वजह से हो है। प्रिया, ये हर गौतम दीवाने जेकर बारे में अभी बता रहे हैं। नमस्ते नमस्ते भाई आनंद। ये हरे मोर बेटी, सब प्रणाम कर दे बेटा। सब लो प्रणाम। नमस्ते बेटा। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते प्रिया। ओले ओले, कितना सुंदर हंस जीते हाँ। तो बहुत सुंदर है जी। का नाम है तोर? मोर नाम खुशी है। मस्त नाम है जी तोर। आनंद जानथस, बॉस मोला बिलासपुर ब्रांच के मैनेजर बना दे। मोहन तक नौकरी दे है ले दे के, और संपर्क भी यही करा है ले दे के। आनंद भैया, आनंद भैया, आनंद भैया। ये तो सुखी लाल है जिन आनंद के ऊपर पैसा गबन के इल्जाम लगा के ओला बदनाम करे रही से। अब क्या करे है ता? मैं आनंद भैया से माफी मांग रहा था। मुला माफ कर दे आनंद भैया, ताए मोर ऊपर दया करके पैसा के मदद करे। आ, मैं बेवकूफ हूँ, तोला पैसा के गमन में फंसा दे, आरोप लगाए तोर ऊपर। बाद में मोला अपन गलती के पछतावा होइस। मोला माफ कर दे आनंद भैया। नहीं नहीं, कोई माफी अफी नहीं मिले, चल निकल यहाँ से। नौरंग, तोला तोर गलती के एहसास हो गई है और तै यहां तक मोर से माफी मांगे आए हस, ये बहुत बड़े बात आए। मैं तोला माफ कर दे हूं। धन्यवाद। मुकेश भैया, आनंद बहुत टैलेंटेड हवा है। और ये है अपन लाइफ में बहुत कुछ अलग भी करना चाहता है। मोला आनंद के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन नजर आते। मोला बहुत दिन से मोर कंपनी पर एक सीईओ के तलाश रही से जिन टैलेंटेड के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो। आनंद, मैं तोला अपन कंपनी के सीईओ और 20% के भागीदार बना था। पर गौतम भैया, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आनंद, बॉस काकरो नहीं सुने? ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। बीस परसेंट गौतम जी, हाँ ऐसे आपके कंपनी के मंथली प्रॉफिट का है? 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़ के 20%, माने कि 20 लाख रुपया महीना। अरे संभाल काका, अब तो रिश्ता मंजूर है ना। अरे बेटा, दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ हुई जो ऐसा रिश्ता ला छोड़ी। रुक 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 रुक,
लास्ट बचे रूम जो लेकिन पूरा लास्ट हो सरकारी नौकरी रहती था किस्तवा।